नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे जनरल नर्सिंग करियर क्लब के ऑनलाइन सेक्शन में। दोस्तों, हम इस सेक्शन में बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर के सेल फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, मैं आपका ज़्यादा समय न लेते हुए अपने कोर्स को शुरू करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं अपन सेल फिजियोलॉजी यूनिट नंबर थर्ड, टॉपिक मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम में आपको फ्रंट एंड बैक मसल्स दिख रहे हैं। ये अपने ये जो मसल्स है इस डायग्राम के अंदर, ये हमारी क्या है कि बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, बैक और फ्रंट के अंदर। आगे अपन बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की। ऑब्जेक्टिव में फर्स्ट है इंट्रोडक्शन, सेकंड है फिजियोलॉजी एंड थर्ड है मसल्स एक्टिविटी। आगे अपन बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन में फर्स्ट है मसल्स। देयर आर थ्री डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ मसल्स, स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल्स और हार्ट मसल्स एंड स्मूथ नॉन स्ट्रेटेड मसल्स। मसल्स प्रोवाइड स्ट्रेंथ, बैलेंस, पोस्चर, मूवमेंट एंड हीट फॉर द बॉडी टू कीप वार्म। मांसपेशिया, मसल्स का मतलब होता है मांसपेशिया। मांसपेशियों के तीन अलग अलग प्रकार है, कंकाल की मांसपेशिया, हृदय हृदय की मांसपेशिया और चिकनी गैर दायरेदार मांसपेशिया। मांसपेशिया शरीर को गर्म रखने के लिए शक्ति, संतुलन, मुद्रा, गति और गर्मी प्रदान करती है। बात करते हैं स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स लाइक अदर स्ट्रेटेड मसल्स आर कंपोज ऑफ मायोसाइट्स और मसल फाइबर विच आर इन टर्न कंपोज ऑफ मायोफिब्रिल्स विच आर कंपोज ऑफ सैक्रोमेट्स, द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ स्ट्रेटेड मसल टिश्यू। अपॉन स्टिमुलेशन बाय एन एक्शन पोटेंशियल स्केलेटल मसल्स परफॉर्म ए कोऑर्डिनेटेड कॉन्ट्रक्शन बाय शॉर्टनिंग ईच सैक्रोमेर। इसके अंदर क्या होता है, स्केलेटल मसल मतलब कंकाल की मांसपेशियां। अन्य दारीदार मांसपेशियों की तरह कंकाल की मांसपेशियां मायोसाइट्स या स्नायु तंतुओं से बनी होती है, जो बारी बारी से मायोफिब्रिल से बनी होती है, जो कि सार्कोमर से बनी होती है। जो दारीदार मांसपेशियां उत्तक की मूल बिल्डिंग ब्लॉक होती है, एक एक्शन पोटेंशियल के द्वारा उत्तेजित होने पर कंकाल की मांसपेशियां प्रत्येक सार्कोमेर को छोटा करके एक संवित संकुचन करती है। आगे अपन बात करते हैं, द बेस्ट प्रोपोज्ड मॉडल फॉर अंडरस्टैंडिंग कॉन्ट्रक्शन इज द स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल ऑफ मसल्स कॉन्ट्रक्शन विद इन द सैक्रोमेर। एक्टिन एंड मायोसिन फाइबर ओवरलैप इन ए कॉन्ट्रैक्टाइल मोशन टुवार्ड्स ईच अदर्स। मायोसिन फिलामेंट्स हैव क्लब शेप्ड हेड्स दैट प्रोजेक्ट टुवार्ड द एक्टिन फिलामेंट। संकुचन को समझने के लिए सबसे अच्छा प्रस्तावित मॉडल मांसपेशियों के संकुचन का स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल है। सरकोमेरे के भीतर एक्टिन और मायोसिन फाइबर एक दूसरे की ओर एक संकुचित गति में ओवरलैप होते हैं। मायोसिन फिलामेंट में क्लब के आकार के सिरे होते हैं जो एक्टिन फिलामेंट्स की ओर प्रोजेक्ट करते हैं। लार्जर स्ट्रक्चर अलोंग द मायोसिन फिलामेंट कॉल्ड मायोसिन हेड्स आर यूज टू प्रोवाइड अटैचमेंट पॉइंट्स ऑन बाइंडिंग साइड फॉर द एक्टिन फिलामेंट्स। द मायोसिन हेड्स मूव इन ए कोऑर्डिनेटेड स्टाइल, दे स्वाइवल टुवार्ड द सेंटर ऑफ द सैक्रोमेर, डिटैच एंड देन रिटैच टू द नियरेस्ट एक्टिव साइट ऑफ द एक्टिन फिलामेंट। दिस इज कॉल्ड ए रैटचेट टाइप ड्राइव सिस्टम। मायोसिन सिर नामक मायोसिन फिलामेंट के साथ बड़ी संरचनाओं का उपयोग एक्टिन फिलामेंट के लिए बाध्यकारी साइटों पर लगाव बिंदु प्रदान करने के लिए किया जाता है। मायोसिन प्रमुख एक संवित शैली में चलते हैं, वे सरकोमे के केंद्र की ओर घूमते हैं और अलग हो जाते हैं और फिर एक्टिन फिलामेंट के निकटतम सक्रिय स्थल पर पहुंच जाते हैं। इसे शाफ्ट टाइप ड्राइव सिस्टम कहा जाता है। फिर आता है, दिस प्रोसेस कंज्यूम लार्ज अमाउंट ऑफ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट या एटीपी, द एनर्जी सोर्स ऑफ द सेल। एटीपी बाइंड टू द क्रॉस ब्रिज बिटवीन मायोसिन हेड्स एंड एक्टिन फिलामेंट। द रिलीज ऑफ एनर्जी पावर्स द स्वेलिंग ऑफ द मायोसिन हेड। व्हेन एटीपी इज यूज्ड इट बिकम एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एडीपी, एंड सिंस मसल्स स्टोर लिटिल एटीपी, द मोस्ट कंटिन्यूसली रिप्लेस द डिस्चार्ज एडीपी विथ एटीपी। मसल्स टिश्यू आल्सो कंटेन अ स्टोर्ड सप्लाई ऑफ ए फास्ट एक्टिंग डिस्चार्ज केमिकल क्रिएटिनिन फॉस्फेट which when necessary can assist with the rapid generation of ADP into ATP। इसके अंदर क्या होता है, यह प्रक्रिया सेल की ऊर्जा स्रोत एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP की बड़ी मात्रा में खपत करती है। ATP मायोसिन हेड्स और एक्टिन फिलामेंट्स के बीच क्रॉस ब्रिज को बांधता है। ऊर्जा की रिहाई से मायोसिन सीट की सूजन हो जाती है। जब ATP का उपयोग किया जाता है तो एडिनोसाइन डिसफॉस्फेट ADP बन जाता है, और चूंकि मांसपेशी थोड़ी ATP स्टोर करती है, इसलिए उन्हें निरंतर ADP को एटीपी से बदलना होगा। मांसपेशी उत्तकों में भी एक तेजी से अभिनय पुनर्भरण रासायनिक क्रिएटिन फॉस्फेट की एक संग्रहित आपूर्ति होती है, जो आवश्यक होने पर एटीपी में एडीपी के तेजी से पुनर्जनन के साथ सहायता कर सकती है। आगे अपन बात करते हैं, कैल्शियम आयंस आर रिक्वायर्ड फॉर ईच साइकल्स ऑफ सैक्रोमेयर।
कैल्शियम इज रिलीज फ्रॉम द सैक्रो प्लाज्मिक रेटिकुलम इंटू द सैक्रोमेर वेन ए मसल्स इज स्टिमुलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट दिस कैल्शियम अनकवर्स द एक्टिन बाइंडिंग साइट वेन द मसल्स नो लॉन्गर नीड्स टू कॉन्ट्रैक्ट द कैल्शियम आइंस आर पम्प्ड फ्रॉम द सैक्रोमेर एंड बैक इंटू स्टोरेज इन द सैक्रो प्लाज्मिक रेटिकुलम। सैक्रोमेर के प्रत्येक चक्कर के लिए कैल्शियम आयनों की आवश्यकता होती है। जब कॉन्ट्रैक्ट को एक पेशी को उत्तेजित किया जाता है तो कैल्शियम को सारकोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सैक्रोमेर में छोड़ा जाता है। ये कैल्शियम एक्टिन बाइंडिंग साइट को खोल देता है। जब मांसपेशियों को अनुबंध करने की आवश्यकता नहीं होती तो कैल्शियम आयनों को सारकोमेर से पंप किया जाता है और वापस सारकोप्लाज्मिक जालिका भंडारण में लाया जाता है। आगे अपन बात करते हैं कार्डियक मसल्स की, हृदय की मांसपेशी। हार्ट मसल्स आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम स्केलेटल मसल बिकॉज द मसल फाइबर्स आर लेटरली कनेक्टेड टू ईच अदर। फर्दर मोर जस्ट एज विथ स्मूथ मसल्स दियर मूवमेंट इज इनवॉलेंट्री। हार्ट मसल्स आर कंट्रोल्ड बाय द साइनस नोड इन्फ्लुएंस्ड बाय द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। दिल की मांसपेशियाँ कंकाल की मांसपेशियों से अलग होती है क्योंकि मांसपेशी फाइबर बाद में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसके अलावा बस चिकनी मांसपेशी के साथ उनके आंदोलन अच्छे किए। दिल की मांसपेशियों को स्वायत्त तंत्रिका तंत्र द्वारा प्रभावित साइनस नोड द्वारा नियंत्रित किया जाता है। फिर ये स्मूथ मसल यानी कि चिकनी मांसपेशियाँ। स्मूथ मसल्स आर कंट्रोल डायरेक्टली बाय द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड आर इनवॉलेंट्री मीनिंग दैट दे आर इनकेपेबल ऑफ बींग मूव्ड बाई कॉन्सियस थॉट। फंक्शन सच एज हार्ट बीट एंड लंग्स विच आर केपेबल ऑफ बींग विंगली कंट्रोल्ड बी इट टू ए लिमिटेड एक्सटेंड आर इनवॉलेंट्री मसल्स बट आर नॉट स्मूथ मसल्स। चिकनी मांसपेशियों को सीधे स्वायत्त तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रित किया जाता है और अनैच्छिक होता है जिसका अर्थ है कि वे जागरूक विचार द्वारा स्थानांतरित होने में असमर्थ है। हृदय के धड़कन और फेफड़े जैसे विकार जो स्वेच्छा से नियंत्रित होने में सक्षम है सीमित सीमा तक। अनैच्छिक है मांसपेशियाँ लेकिन चिकनी मांसपेशियाँ नहीं होती है। बात करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन की, लिगामेंट रेस्ट्रिक्ट दिस एक्शन यानी कि कौन से लिगामेंट इस क्रिया को प्रतिबंधित करते हैं। तो इसके अंदर फर्स्ट कार्टिलेज जंक्शन, सेकेंड हाइपरटेंशन हाइपर एक्सटेंशन और थर्ड है हाइपर फ्लेक्शन और फोर्थ है बोथ बी एंड सी। तो इसके अंदर आएगा डी आंसर आएगा बोथ बी एंड सी, हाइपर एक्सटेंशन और हाइपर फ्लेक्शन। आगे अपन बात करते हैं फिजियोलॉजी की। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन आर द फोकल पॉइंट वेयर ए मोटर न्यूरोन अटैच टू ए मसल्स। एसिट्राकोलाइन ए न्यूरोट्रांसमीटर यूज इन स्केलेटल मसल कॉन्ट्रेक्शन इज रिलीज फ्रॉम द एक्सोन टर्मिनल ऑफ द नर्व सेल व्हेन एन एक्शन पोटेंशियल रीचेज द माइक्रोस्कोपिक जंक्शन कॉल्ड स्नैप्स। ए ग्रुप ऑफ केमिकल मैसेंजर क्रॉस द स्नैप्स एंड स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चेंजेज विच आर प्रोड्यूज इन द मसल सेल व्हेन द एसिट्राकोलाइन बाइंड्स टू रिसेप्टर ऑन इट्स सरफेस। कैल्शियम रिलीज फ्रॉम इट स्टोरेज एरिया इन द सेल्स। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एन इम्पल्स फ्रॉम ए नर्व सेल कॉजेज कैल्शियम रिलीज एंड ब्रिंग्स अबाउट ए सिंगल शॉर्ट मसल कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड ए मसल ट्विच। इसके अंदर क्या होता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन केंद्र बिंदु है जहाँ एक मोटर न्यूरोन एक मांसपेशी में संलग्न होता है। एसिट्राकोलाइन कंकाल की मांसपेशी होती है। संकुचन में प्रयुक्त एक न्यूरो ट्रांसमीटर होता है। तंत्रिका कोशिका के अंश तंतु टर्मिनल से निकलता है और जब ये एक्शन पोटेंशियल सूक्ष्म से दक्षण तक पहुंच जाता है जिसे स्नैप कहा जाता है, रासायनिक दूतों का एक समूह अंतर्गण को पार करता है और विद्युत परिवर्तनों के गठन को उत्तेजित करता है जो मांसपेशियों की कोशिकाओं में उत्पन्न होते हैं। जब एसिटोकोलाइन इसी तरह रिसेप्टर को बांधता है सेल के सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इसके भंडारण क्षेत्र से कैल्शियम का विमोचन किया जाता है। एक तंत्रिका कोशिका से एक आवेग कैल्शियम की रिहाई का कारण बनता है और एक एकल लघु मांसपेशी संकुचन के बारे में लाता है जिसे मांसपेशी चिकोटी कहा जाता है। आगे अपन बात करते हैं इफ देयर इज ए प्रॉब्लम एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ए वेरी प्रोलॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन मे अकर सच एज द मसल कॉन्ट्रैक्शन दैट रिजल्ट फ्रॉम टिटेनस। आल्सो लॉस ऑफ फंक्शन एट अ जंक्शन कैन प्रोड्यूस पैरालिसिस। स्केलेटल मसल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू हंड्रेड्स ऑफ मोटर यूनिट्स ईच ऑफ व्हिच इन्वॉल्व अ मोटर न्यूरॉन अटैच्ड बाय अ सीरीज ऑफ थिन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एक्सोन टर्मिनल्स। दीज अटैच टू एंड कंट्रोल डिस्क्रीट बंडल्स ऑफ मसल्स फाइबर्स ए कोऑर्डिनेटेड एंड फाइन ट्यून्ड रेस्पॉन्स टू ए स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेज विल इन्वॉल्व कंट्रोलिंग द प्रीसाइज नंबर ऑफ मोटर यूनिट्स यूज्ड व्हाइल इंडिविजुअल मसल्स यूनिट कॉन्ट्रैक्ट्स एज ए यूनिट द एंटायर मसल्स कैन कॉन्ट्रैक्ट ऑन ए प्रीडिटरमाइंड बेसिस ड्यू टू द स्ट्रक्चर ऑफ मोटर यूनिट। इसके अंदर क्या होता है,
यदि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर कोई समस्या है तो बहुत लंबे समय तक संकुचन हो सकता है, जैसे कि मांसपेशी संकुचन जो टिटनेस से उत्पन्न होता है। इसके अलावा जंक्शन पर समारोह का नुकसान पक्षाघात का उत्पादन कर सकता है। कंकाल की मांसपेशियों को सैकड़ों मोटर इकाइयों में व्यवस्थित किया जाता है, जिनमें से प्रत्येक में मोटर न्यूरॉन शामिल होता है जो पतली उंगली जैसी संरचनाओं की एक श्रृंखला से जुड़ा होता है, जिसे एक्जोन टर्मिनल्स कहा जाता है। ये मांसपेशी फाइबर के बंडलों को असतत और नियंत्रित करते हैं। विशिष्ट परिस्थिति में एक संवित और ठीक ठीक न्यून की गई प्रतिक्रिया में प्रयुक्त मोटर इकाइयों की सटीक संख्या को नियंत्रित करना शामिल होगा, जबकि व्यक्तिगत मांसपेशी इकाइयों का एक इकाई के रूप में अनुबंध करती है। पूरी इकाई मोटर इकाई की संरचना के कारण पूर्व निर्धारित आधार पर अनुबंध कर सकती है। आगे अपन बात करते हैं मोटर यूनिट कोऑर्डिनेशन बैलेंस एंड कंट्रोल फ्रिक्वेंटली कम अंडर द डायरेक्शन ऑफ द सेरेबेलम ऑफ द ब्रेन। दिस अलाउ द कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स मस्कुलर कोऑर्डिनेशन विद द लिटिल कॉन्शियस एफर्ट सच एज व्हेन वन ड्राइव्स ए कार विदाउट थिंकिंग अबाउट द प्रोसेस। मोटर इकाई समय संतुलन और नियंत्रण अक्सर मस्तिष्क के सेरिबेलम की दिशा में आते हैं। यह थोड़ा सचेत प्रयास के साथ जटिल मांसपेशियों के समन्वय के लिए अनुमति देता है, जैसे कि जब कोई प्रक्रिया के बारे में सोचने के बिना कार ड्राइव कर सकता है। फिर आता है टेंडन। ए टेंडन इज ए पीस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दैट कनेक्ट्स ए मसल्स टू बी ए बोन। व्हेन ए मसल कॉन्ट्रैक्ट्स इट पुल्स अगेंस्ट स्केलेटन टू क्रिएट मूवमेंट। ए टेंडन कनेक्ट दिस मसल टू ए बोन मेकिंग दिस फंक्शन पॉसिबल। टेंडन क्या होता है? कंडरा संयोजी उत्तक का एक टुकड़ा होता है जो कि एक मांसपेशी को एक हड्डी से जोड़ता है। जब एक मांसपेशी सिकुड़ती है तो यह कंकाल के खिलाफ मूवमेंट बनाने के लिए खींचती है। एक टेंडन एक पेशी को हड्डी से जोड़ता है, जिससे कार्य संभव हो जाता है। आगे अपन बात करते हैं मसल्स एक्टिविटी। एरोबिक एंड एनएरोबिक मसल्स एक्टिविटी। एट रेस्ट द बॉडी प्रोड्यूस द मेजोरिटी ऑफ द इट इज एटीपी एरोबिकली इन द माइटोकॉन्ड्रिया विदाउट प्रोड्यूसिंग लैक्टिक एसिड और अदर फैटिगिंग बाई प्रोडक्ट्स। ड्यूरिंग एक्सरसाइज द मेथड ऑफ एटीपी प्रोडक्शन वेरीज डिपेंडिंग ऑन द फिटनेस ऑफ द इंडिविजुअल एज वेल एज द ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी ऑफ एक्सरसाइज। एट लोअर एक्टिविटी लेवल्स व्हेन एक्सरसाइज कंटिन्यू फॉर ए लॉन्ग ड्यूरेशन सेवरल मिनट्स और लॉन्गर एनर्जी इज प्रोड्यूस एरोबिकली बाई कंबाइनिंग ऑक्सीजन विद कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स स्टोर्ड इन द बॉडी। आराम से क्या होता है? अपने शरीर अपने एटीपी के अधिकांश एरोबिक रूप से माइटोकॉन्ड्रिया में लैक्टिक एसिड या अन्य थकावट के बिना उत्पाद का उत्पादन करता है। व्यायाम के दौरान एटीपी उत्पादन की विधि व्यक्ति की फिटनेस के साथ साथ व्यायाम की अवधि और तीव्रता के आधार पर भिन्न होती है। कम गतिविधि के स्तर पर जब व्यायाम लंबी अवधि तक कई मिनट या अधिक समय तक जारी रहता है तो शरीर में संग्रहित कार्बोहाइड्रेट वसा के साथ ऑक्सीजन के संयोजन से ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। आगे अपन बात करते हैं ड्यूरिंग एक्टिविटी दिस दैट इज हायर इन इंटेंसिटी विद पॉसिबल ड्यूरेशन डिक्रीजिंग एज इंटेंसिटी इंक्रीजेज। एटीपी प्रोडक्शन कैन स्विच टू एनएरोबिक पाथवेज सच एज द यूज ऑफ द क्रिएटिनिन फॉस्फेट एंड द फॉस्फेजन सिस्टम और एनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस। एरोबिक एटीपी प्रोडक्शन इज बायोकेमिकली मच स्लोवर एंड कैन ओनली बी यूज फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज बट प्रोड्यूस नो फैटिंग वेस्ट प्रोडक्ट दैट कैन नॉट बी रिमूव इमिडिएटली फ्रॉम द सैक्रोमियर एंड द बॉडी एंड इज रिजल्ट इन ए मच ग्रेटर नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स पर फैट और कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल। एरोबिक ट्रेनिंग अलाउज द ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम टू बी मोर इफिशियंट अलाउिंग एरोबिक मेटाबोलिज्म टू बिगिन क्विकर। गतिविधि के दौरान जो तीव्रता में अधिक होती है अधिक संभव अवधि के साथ तीव्रता में वृद्धि होती है। एटीपी उत्पादन एनोरोबिक मार्गों पर स्विच कर सकता है, जैसे कि क्रिएटिनिन फॉस्फेट और फॉस्फेट सिस्टम या एनोरोबिक ग्लाइकोलाइसिस का उपयोग। एरोबिक एटीपी उत्पादन जैव रासायनिक रूप से बहुत धीमा होता है और इसका उपयोग केवल लंबी अवधि कम तीव्रता वाले व्यायाम के लिए किया जा सकता है, लेकिन बिना थके अवशिष्ट उत्पादों का उत्पादन करता है जिन्हें तुरंत हटाया नहीं जा सकता और शरीर से बहुत अधिक संख्या में होता है। वसा या कार्बोहाइड्रेट अणु प्रति एटीपी अणु एरोबिक प्रशिक्षण ऑक्सीजन वितरण प्रणाली को और अधिक कुशल बनाने की अनुमति देता है, जिससे एरोबिक मेटाबॉलिज्म जल्दी शुरू हो जाता है। एनारोबिक एटीपी प्रोडक्शन प्रोड्यूसेज एटीपी मच फास्टर एंड अलाउज नियर मैक्सिमल इंटेंसिटी एक्सरसाइज बट आल्सो प्रोड्यूसेज सिग्निफिकेंट अमाउंट्स ऑफ लैक्टिक एसिड विच रेंडर्स हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज अनसस्टेनेबल फॉर मोर देन सेवरल मिनट्स। द फॉस्फेजन सिस्टम इज आल्सो एनारोबिक। इट अलाउज फॉर द हाइएस्ट लेवल ऑफ एक्सरसाइज इंटेंसिटी बस इंट्रामस्कुलर स्टोर्स ऑफ फॉस्फेट क्रिएटिनिन आर वेरी लिमिटेड एंड कैन ओनली प्रोवाइड एनर्जी फॉर एक्सरसाइज लास्टिंग अप टू 10 सेकेंड। रिकवरी इज वेरी क्विक विथ फुल क्रिएटिनिन स्टोर रिजनरेटेड विद इन 5 मिनट्स।
इसके अंदर क्या होता है, एनारोबिक एटीपी उत्पादन एटीपी को बहुत तेजी से पैदा करता है और निकट अधिकतम तीव्रता वाले व्यायाम की अनुमति देता है, लेकिन लैक्टिक एसिड की महत्वपूर्ण मात्रा भी पैदा करता है जो कई मिनटों से अधिक समय तक उच्च तीव्रता वाले व्यायाम को अनसुना कर देता है। फोस्पेन प्रणाली भी अभावी है, ये व्यायाम की तीव्रता के उच्चतम स्तरों की अनुमति देता है, लेकिन फोस्फोक्राइनिन के ट्राई मस्कुलर स्टोर बहुत सीमित तो है और केवल 10 सेकंड तक चलने वाले अभ्यास के लिए ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं। 5 मिनट के भीतर पूर्ण जीवित पूर्ण क्रिएटिन स्टोर के साथ रिकवरी बहुत जल्दी होती है। आगे अपन बात करते हैं क्वेश्चन की, इन मसल कॉन्ट्रैक्शन दिस आयन इज असेंशियल, तो निम्नलिखित में से कौन सा मांसपेशियों के संकुचन में यह आयन कौन सा आवश्यक है, तो इसके अंदर कौन सा आयन आवश्यक है, कैल्शियम नहीं, क्लोरीन नहीं है, सेकंड है कैल्शियम, थर्ड है पोटेशियम और फोर्थ है सोडियम, तो इसके अंदर कौन सा आयन आवश्यक है, कैल्शियम, सेकंड बी आंसर सही है। थैंक यू दोस्तों, कैसा लगा हमारा वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और हाँ दोस्तों अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।